नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं सूटी पार्ट सलापसी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा ही अभी परेशानियों से भरा हुआ समय चल रहा है। आप लोग कहीं ना कहीं अपने काउंसलिंग में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हो, लेकिन इन सभी परेशानियों में बीएचयू पीजी एडमिशन में एक गुड न्यूज है। जो बीएचयू कोटा वाला एक मुद्दा उठा हुआ था कि बीएचयू कोटा वो लोग जो स्पेशल राइट है बीएचयू के एक्स स्टूडेंट करंट स्टूडेंट्स के लिए, वो कहीं ना कहीं बीएचयू सीएसी या जो बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन है मिसगाइड हो गई थी या ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों का उसमें एडमिशन नहीं हो पा रहा था या फिर उनका अपग्रेड नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब वो समस्या समाधान हो चुका है। पोर्टल पे जाओ और आप अपने पोर्टल पे जहां पे आपका कोर्स लोकेशन था वहां पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि वहां पे एक अलग सा एक पॉपअप हो रहा है, एक मैसेज कि यू अपग्रेडेड इन C1, यू अपग्रेडेड दिस और नॉट अपग्रेडेड, ऐसे लिख के आ रहा है। तो प्लीज आप जाके एक बार अपना पोर्टल चेक करें, जिससे कि आपको भी, अब मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताएं कि क्या स्टेटस है फाइनली आपके पोर्टल का। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि बीएचयू पीजी कटऑफ 2024 जो है वो थर्ड राउंड में कितना डाउन हो सकता है। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी लगातार आ रही है। बहुत सारे बच्चे जो अपनी इमरजेंसी वाले क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं तो वो काउंसलिंग वाला का हेल्प ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन्हें आराम से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दो। आपको खुद कॉल आएगा 30 मिनट्स में, ठीक है। 50 रुपीज का सब्सक्रिप्शन है फॉर कमिंग 15-20 डेज, तो यूं समझ लो कि आपके भले के लिए बनाया गया है। तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो, जाके सोशल मीडिया पे मैसेज करो, नहीं रिप्लाई मिल रहा है, तो इमरजेंसी कंडीशंस में आप वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने जो कट ऑफ डाउन होने का जो ग्राफ बनाया है वो मैंने किस बेसिस पे बनाया है, वो मैंने डिपार्टमेंट वाइज बनाया है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज या अलग अलग फैकल्टी वाइज समझ सोच सकते हो, ठीक है। इसलिए ऐसा बनाया है क्योंकि ये कट ऑफ हर जगह रेगुलर वे में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं ना कि ये कट ऑफ डाउन होगा। लगभग इस बार जो डेटा है वो कुछ आ रहा है कि अभी 30% सीटें खाली हैं। अगर 30% बीएचयू सीट खाली बोल रहा है ना, तो ये 30% सीट जबरदस्ती वाला है। अभी ये 30% मैं बोल रहा हूं कि डीयू का सेकेंड राउंड कट ऑफ आने के बाद इसमें 10 और जोड़ दो, यानी अभी भी बीएचयू के पास लगभग 40% सीट खाली हो जाएगा, अगर वो थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड से बच्चों को यानी अपग्रेड करने के बाद, पूरी सीट को कैलकुलेट करने के बाद थर्ड राउंड का कटा बनाता है, तो मैं श्योर हूं कि लगभग 40% का सीट अभी भी एडमिशन हो सकता है, अभी भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये 40 सीटें डीएमसी में नहीं हो सकती है ज्यादा, रेगुलर सीट पे नहीं हो सकती है ज्यादा। ये सीटें कहां होंगी, ये सीटें ज्यादा से ज्यादा होने वाली है एफिलेटेड विथ पेड सीट, affiliated with paid seat। अब मैं यहाँ पे discuss करूँगा arts and social, agriculture, science, math, यानी institute of science और law। किस किस department faculty में जो cutoff का down fall है वो कितने marks तक हो सकता है ये आप जानते हो, तो कहीं ना कहीं आपके admission की possibilities आपको समझ में आने लगेगी और आप भी sure हो जाओगे कि अरे सर BBU में जाएं, सर हमें तो SCU का भी वहाँ पे कुछ calling नजर आ रहा है, अब मेरे पास और भी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन है, हमारा टीस में भी ऑप्शन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी श्योर हो जाओगे। इसीलिए मैं आपको कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि प्लीज इस वीडियो को अच्छे समझने की कोशिश करो, ठीक है। थोड़ा सा नॉइज की इशू होगा, आज फ्लैट में काम लगा हुआ है, प्लम्बर वाला आए हुए हैं, पानी बहुत दिन से यहाँ पे रुका हुआ था, समझ लो कि मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ, बीमार, फ्लैट में पानी नहीं, इतना प्रेशर। बाय द वे आप लोग का समर्थन मुझे मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरा चैनल यानी ये आपका चैनल जिस पे आप लोग खुद आके आने वाले समय में पढ़ाने वाले हो, इवन आप पीजी के विद्यार्थी हो, भाई आपको तो मैं पक्का अवसर दूंगा कि आप पढ़ाओ, पैसे कमाओ, अपना पॉकेट मनी खुद से निकालो। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ो, जिससे कि आने वाले समय में मैं सच में ऐसे बहुत सारे प्लान रखा हूँ जो आप लोग के साथ शेयर करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा एक न्यू चैनल है निर्दर्शन के नाम से, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप फॉलो कर लो, ठीक है। सोशल यानी आर्ट्स, सोशल में जो सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे हिंदी हो गया, फिलोसफी हो गया, इंग्लिश हो गया, ऐसे जो सब्जेक्ट्स आते हैं ना, उसमें लगभग 15 से 20 नंबर का डाउनफॉल नजर आ सकता है, 15 से 20 नंबर डाउनफॉल नजर आ सकता है। मस्ट है कि पीडब्ल्यू, एससी, एसटी और गर्ल्स, ये लोग अपने पोर्टल को जरूर चेक करेंगे थर्ड राउंड के बाद, क्योंकि इनके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज अभी भी 80% होगा अगर आप 15 से 20 वाले डाउनफॉल में आते हो तो, ठीक है। यहाँ पे कॉमर्स वाला ऐड कर दूंगा अभी। एग्रीकल्चर के जो कोर्सेज हैं, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैंडल होते हैं, उसमें लगभग 5 से 10, क्योंकि ये
सीटें इसलिए फुल हो जाती है क्योंकि ये कोर्स हर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है, बीएचयू में अवेलेबल भी है तो बहुत ही लिमिटेड सीट के साथ है, इसीलिए 5 से 10 पे आप आराम से अभी भी उम्मीद कर सकते हो। ध्यान देना है 5 से 10 में अगर आप 10 ऐड करके वेट करोगे तो कोई बुराई नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अगर आप देखोगे तो लगभग ये भी आप 2 जोड़ी लो, ठीक है, यानी 5 से 10 नंबर तक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी आराम से देख सकते हो जनरल ओबीसी के बच्चे। बाकी अगर मैं 10 और ऐड कर दूं तो एसटी एससी के बच्चे भी अभी इंतजार कर सकते हैं। ध्यान देना कट ऑफ आया तो ऐसा नहीं मेरे पे चढ़ बैठो, कह रहे सर आप तो बोल रहे थे एडमिशन हो जाएगा, नहीं हो रहा है भाई, पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज है। हर एक यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से एजुकेशन चलता ना तब तो मैं एक बार में एडमिशन ही करा दिया होता, मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है ना, यहाँ तो एक नंबर के घुसखोर पड़े हुए हैं, करप्शन इतना ज्यादा है, एजुकेशन पे कोई बात करता नहीं है, तो पार्लियामेंट की तूतू में कभी शिक्षा पे होती नहीं है, तो मैं उसका हिस्सा तो हूं भी नहीं। मेरा काम है लोगों को अवेयर करना, मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, मेरे से जितना हो पाता है मैं करता हूं, वो भी एकदम पूरे शिद्दत से करता हूं। तो प्लीज आप लोग ध्यान देना, ये जो बच्चे हैं ये लगभग 20 नंबर पे भी अपनी एडमिशन पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग लॉ में जाते हैं तो लॉ के बच्चे भी 5 से 15 नंबर पे कम होने पे अपने एडमिशन की पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं, खासकर एसटी एससी और गर्ल्स जो है वो जरूर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट में कन्वर्सेशन करना चाहूंगा मैं आप लोगों से कि जब थर्ड राउंड आ रहे हैं, जो सेकेंड राउंड से अपग्रेड किए हुए हैं उनके लिए मस्ट एक वार्निंग है, कई लोग के एडमिशन विड्रॉल हो गए, अपने आप आराम से विड्रॉल हो गए और उस पर सीएससी सुन नहीं रहा है, दिल्ली जाओ क्योंकि सामर्थ कर रहा है जो कि खुद असमर्थ हो चुका है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा भाई प्लीज अवेयर रहना, अगर आपने अपग्रेड में डाला है तो आपके पोर्टल पे एक आइकन आएगा टू एक्सेप्ट नेक्स्ट राउंड कोर्स के लिए, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो बाहर हो जाओगे, ऐसा है, ग्लिचेस समझ लो या इनका एडमिशन प्रोसेस समझ लो, घटिया प्रोसेस समझ लो, जो भी है, लेकिन अब यही है, यही फॉलो करना पड़ेगा। इतना शोरगुल करके तो बीएचयू कोटा के लिए हम लोगों ने आवाज उठाई तो कम से कम देर है, आज के समय में ना आपको हर जगह लड़ाई लड़नी है, मतलब अपने राइट्स के लिए आवाज उठाना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऐसे ही रह जाओगे। तो भाई आप लोगों से निवेदन है कि यूनिटी बनाओ, मैं क्योंकि देखो मैं तो आवाज भी उठाता हूँ ना, कम से कम आप जाके मेरा रिकॉर्ड चेक करो ना, अभी ये बीएचयू कोटा वाले पे कौन बोलने आया था, कोई नहीं बोलने आया, और काउंसलिंग वाला के वजह से यानी जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म है उसके साथ मैंने पता नहीं कितने लोग को ऑफिस का चक्कर लगा लगा के सॉल्व कराया। तो भाई कम से कम मैं तो हूं कि साथ खड़ा होने वाले में से लोगों में से हूं, तो भाई सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो मुझे मिल जाता है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन जो आपकी तरफ से मिलना चाहिए ना वो भी मुझे चाहिए, और वो है प्लीज यूनाइट हो जाओ, आवाज उठाओ, हमेशा हौसला बुलंद रखो, और हम सभी को एक साथ रहना है क्योंकि ये अगर गड़बड़ी करते हैं तो हम लोग इसके लिए बहुत सारे ऐसे लीगल रास्ते हैं, शैक्षणिक गतिविधियों का मामला है तो शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आवाज उठाने का जो प्रोसेस है वही तरीका अपनाएंगे, नहीं गेट नहीं बंद करना है, थालियां नहीं बजानी, ग्लास नहीं पटकना, ऐसा कुछ नहीं करना है, हम पढ़े लिखे लोग हैं तो पढ़े लिखे लोगों का जो एक प्रोसेस है, जो अधिकार है उसी का हम लोग अपना फायदा उठा के अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज अपनी यूनिटी जरूर दिखाएं, अपना सहयोग बनाए रखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा, बाकी काउंसलिंग वाला से आप लोग कॉन्टेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा सकते हो, ठीक है। जिनको भी डाउट है लाइक सर कितनी पॉसिबिलिटीज है, क्या है, कैसे है, कहाँ कहाँ हम लोग एडमिशन के लिए भी सोच सकते हैं, मैं यहाँ यहाँ एडमिशन डाला हूँ, तो तमाम चीजें जो है वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो डायरेक्टली 30 मिनट्स में आपको एक कॉल चला जाएगा, ठीक है। तो मुस्कुराते रहे, बहुत से शुभकामनाएं, हर हर महादेव।